नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम अपने टेरेस गार्डन में कुछ जो सब्जियां लगा रखी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरे गुड़हल में, इसमें इस वाले प्लांट में तो बहुत अच्छे अच्छे फूल आते रहते हैं, तो आज भी अच्छे से फूल आए हुए हैं इसमें। और गुलाब बहुत गर्मियों की वजह से ज़्यादा अच्छे तो नहीं फूल आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। ये देखिए, गर्मियों की वजह से ख़राब हो गया है, अच्छे से खिल नहीं पाया है। तो इसमें तो मेरे कभी दो कभी तीन फूल आ जाते हैं, ये पता नहीं कौन सी वैरायटी का है, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। और ये देशी में तो आते रहते हैं, देशी में तो आज 5-6 फूल आए हैं। 12 इंच का पॉट है मेरा ये सीमेंट का, तो इसमें 5 आज फूल आए हैं और खूब ढेर सारी कलियाँ लगी हैं। और हमने फरवरी में इसको एकदम से प्रूनिंग कर दी थी खूब अच्छे से, तो पीली पत्तियाँ पड़ गई थी, सारी प्रूनिंग कर दिया था, तो छोटा सा एकदम सा रह गया था। अब अच्छी सी ग्रोथ हो गई है, तो अब इसमें खूब फूल आ रहे हैं और कलियाँ भी खूब आई हैं और खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो देशी में तो ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, आप बस पानी देते रहें और 15 दिन में एक बार खाद देते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की। आज हमने अपने टेरेस में क्या क्या सब्जियां लगाई हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं लगाया है, इसलिए कि बंदर मेरे यहाँ आते हैं तो वो ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा देते हैं। तो देखिए, बैंगन लगाया है, बैंगन के मेरे पास 2 पौधे हैं। और ये लौकी लगाया है, लौकी तो अभी लगाया है 1 महीने पहले, तो ये अभी छोटी है क्योंकि गर्मी अभी तक तो बहुत थी, अब बारिश बीच बीच में हो जाती है, तो अभी ये लौकी इतनी बड़ी हो गई है, तो ये रस्सी बांध दिया है। देखते हैं अब इसमें कितनी लौकी आती हैं, इसमें क्या रिजल्ट होता है। तो ये एक पेंट का डब्बा है, उसमें ही लगाया है हमने, बहुत बड़ा तो डब्बा नहीं है मेरे पास, बहुत बड़ा पॉट नहीं है, ये 18 इंच का होगा। देखते हैं अब इसमें कितनी लौकी आती है मेरे इसमें लौकी के पौधे में। तो हमने एक ये लौकी लगाया है 1 महीने पहले और एक लौकी अभी बाद में लगाया है। तो ये हमने पहले उसमें ग्लास में, जो चाय वाले ग्लास होते हैं उसमें हम बीज लगा दिया था जब 5 पत्ते निकल आए थे, तो फिर हमने इसमें पेंट के डिब्बे में रिपोर्ट कर दिया था। तो ये रस्सी बांध दिया, तो ये रस्सी के सहारे जा रही है। ये दूसरी लौकी है, इसमें 5 पत्ते निकल आए हैं, तो उसमें ग्लास में जो लगा था ग्लास से हमने इसमें रिपोर्ट कर दिया। ये भी पेंट का ही डब्बा है 18 इंच का, तो अभी ये तो छोटा है पौधा, अभी ये बाद में हमने इसको ग्रो किया है। 2 पौधों से देखते हैं अब मेरी कितनी लौकी होती हैं। और ये करेले के हैं पौधे, करेले तो अभी 1 महीने पहले हमने बीज इसमें डाले थे, पहले हमने इसमें लगाया था मई में करीब, हमने ये लगाया था अदरक और इसमें हल्दी और वो अरबी घुइया, ये सब लगाया, तो इतनी गर्मी की वजह से कुछ नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने इसमें फिर खाली रखे हुए थे, तो हमने ये इसमें बीज करेले के डाल दिए, तो करेले तो खूब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और अब इसमें ये हमको अदरक भी दिख रही है, अदरक भी निकल ली है, इसमें अदरक भी ग्रो कर गई है। तो ये छोटे छोटे गत्ते हैं, बहुत गहरे नहीं हैं ये, तो देखते हैं इसमें इसको रस्सी बांध के इसको भी आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसमें देखते हैं कितने करेले होते हैं। तो इसमें कुछ तो मेरी तुलसी निकल आई हैं, तो ये देखिए, जैसे ये घुइया है कि अदरक है, एक हल्दी है, सब चीज़ इसमें लगा दिया है, याद नहीं है मई के महीने में लगा दिया था सब चीज़ सब्जी वाले, ये तो अदरक है, सब्जी वाले के यहाँ से अदरक जो मिलती है चाय में डालने के लिए, वो अदरक और वहीं से हल्दी और वहीं से हम घुइया लेकर ऐसे बस लगा दिया था मई के महीने में, गर्मी बहुत थी, लगा दिया तो लग रहा था नहीं निकलेंगी, लेकिन निकल आई, अब ये इसमें निकली हैं, ये भी अदरक है, इसमें अदरक लगाया है, तो इसमें तो भी तो थोड़ी बड़ी हो रही है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारी अदरक और वो घुइया और
हल्दी लगाया है, यहाँ तो बस थोड़ी थोड़ी लगाया है। ग्राउंड फ्लोर पे ये है कि ज़मीन में अच्छे से हो जाएगी, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे इस बार ज़्यादा लगा दिया है हमने हल्दी और घुइयाँ और अदरक। बंदर तो वहाँ भी आते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी ऐसा कुछ नहीं बना है बंदर से बचाने के लिए, लेकिन देखते हैं अब कितना बचाते हैं, रखवाली करेंगे बंदरों की। और ये पालक थोड़ी सी लगाया है ग्रो बैग में, तो पालक तो अच्छे से ग्रो हो रही है। गर्मियाँ हैं लेकिन ये हम शेड के नीचे रख दिया है, छज्जे के नीचे, तो ये अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो अब इसमें हम इसको निकालेंगे, तीन बार निकाल लेंगे, तीसरी बार निकालने के बाद फिर हम इसको हटा देंगे। तो पालक अच्छी ग्रो हो रही है। और ये भिंडी है, भिंडी के दो पौधे हैं इसमें, ग्राउंड फ्लोर पे 10 पौधे होंगे करीब, और यहाँ तो दो ही पौधे लगे हैं, ये भी पेंट के एक डिब्बे में हैं। तो इसमें भी भिंडी अब स्टार्ट हो गई है, तो इससे भिंडी जब आएंगी तो इससे निकाल के और नीचे से लेके, ये देखिए दो भिंडी आ रही हैं इसमें, एक पौधे में दो पौधे एक पेंट में डिब्बे में लगे हैं। तो एक साथ फिर नीचे से और यहाँ से भिंडियाँ लेकर फिर एक बार के लिए हो जाएंगी। तो बस बंदरों की डर की वजह से यहाँ हम नहीं लगा पा रहे हैं ऊपर, ऐसी कुछ चीज़ें ज़्यादा लगाने में ये रहता है कि ख़राब कर जाते हैं टेरेस गार्डन में। तो अब कुछ इसका बंदरों का इंतज़ाम करेंगे, तब फिर ज़्यादा सब्जियाँ यहाँ टेरेस में लगाएंगे। और एक ये बोरी में मिट्टी भर के रखी थी, तो मेरे पास पॉट खाली नहीं थे, तो ये हमने इसमें दो उसके हल्दी के गांठ लगा दी, हल्दी जो सब्जी के दुकान में मिलती है वहाँ से लेकर आए थे, तो इसमें दो हल्दी लगा दिया। तो देखिए दो पौधे निकल आए हैं, खूब अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। गर्मियों की वजह से पत्ते थोड़े से जल जैसे गए हैं। अब 15 दिन में बारिश एक दो बार हो जाती है, तो इसलिए अब पौधों में रौनक आ गई है, अब थोड़ा सा अच्छे हो रहे हैं, नहीं तो ये गर्मियों में जल जा रहे थे पत्ते। और ये मेरा शिमला मिर्च का लास्ट ईयर का शिमला मिर्च का पौधा है, तो ये दो तीन शिमला मिर्च अब इसमें आई हुई हैं, गर्मियों में अभी तक तो नहीं आई थी, अब ये दो तीन हमको ये दिख रही हैं शिमला मिर्च। तो ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको निकाल के प्रूनिंग कर देंगे, फिर इसमें यही लगा रहने देंगे दूसरे पॉट में, फिर और एक दो पौधे हम शिमला मिर्च के लगाएंगे। तो गर्मियों की वजह से इसमें अभी तक तो शिमला मिर्च भी नहीं आई और ये पत्ते भी सारे ख़राब हो गए हैं, तो इसकी प्रूनिंग कर देंगे, फिर अच्छे से ये ग्रो करेगा। और ये हमने मिर्च के पौधे लगा दिए थे, घर में जो मिर्च आती है सूखी मिर्च हमने ऑर्गेनिक मंगाई थी, तो उसके बीज निकाल के इसमें हमने इसमें लगा दिए थे, बो दिए थे। तो ये देखिए इसमें खूब अच्छे से निकल आए हैं, ग्रो कर गए हैं। तो ये भी हम अब उसमें पॉट में लगाएंगे, पहले तो ये 5 इंच के पॉट में लगाएंगे, फिर जब और बड़े हो जाएंगे तो फिर हम 12 इंच के पॉट में लगा देंगे। और बहुत सारे हैं, इतने तो नहीं लगा पाएंगे यहाँ पॉट में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बाकी लगा देंगे। तो अब मानसून आ गया है, अब सब्जियाँ लगाने का टाइम आ गया है, तो अब गोभी लगा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं, आप लोग भी लगाइए सब्जियां, मानसून के मौसम में कुछ भी सब्जियां लगाएंगे चलेगी। तो बस फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, नए हों तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, टेक केयर।